तो जो आत्माएं आत्मिक स्थिति में टिक जाएंगी सदा काल के लिए, वो ही पहले धर्म के बच्चे हुए, सूर्यवंशी बच्चे। क्या ये रूहानी मिलिट्री है क्या? जो भी किसी भी देश में सबसे जास्ती कौन से महकमे को अहमियत दी जाती है, कौन सा महकमा होता है, डिपार्टमेंट होता है जिसको सबसे जास्ती गवर्नमेंट खर्चा करती है, हैं? मिलिट्री के ऊपर। तो ये शिव बाबा की मिलिट्री है क्या? रूहानी मिलिट्री। जैसे उस मिलिट्री में जब युद्ध लगता है, लड़ाई लड़ती है कोई जोर से, और कोई योद्धा कंट्रोल से बाहर हो जाए और अपने से ऊपर के ऑफिसर की बात न माने, मना कर दे, तो क्या करते हैं? फौरन गोली मार देते हैं, ठा, कोर्ट कचहरी नहीं चलाते हैं, बिल्कुल कोर्ट कचहरी नहीं चलाते। ऐसे ही इस रूहानी मिलिट्री में वो ही दाखिल हो सकते हैं, पक्का कर लें, कितना भी पुरुषार्थ करें, लेकिन अगर चार गुण नहीं आए तो इस रूहानी मिलिट्री से ठांग कर दिए जाएंगे। कौन से चार गुण? नहीं, आज्ञाकारी पहला नंबर, आज्ञाकारी, फिर वफादार, फरमानबरदार, ईमानदार। ये चार गुण अपने में पक्का पक्का धारण करना है। अगर नहीं कारण किए तो अंत में क्या होगा? इस रूहानी मिलिट्री से ठा कर दिए जाएंगे। ओम वफादार। जैसे सबसे प्यारा संबंध कौन सा होता है? संबंध तो बहुत होते हैं, पिता का, पुत्र का, ये वो, लेकिन सबसे जास्ती प्यार कहाँ उमड़ता है? पति पत्नी के रूप में। अगर पत्नी वफादार नहीं है, हैं? हाँ, बेवफा है, वैश्या जैसी हो गई, किसी दूसरे से छुप छुप के प्यार करती है, तो बेवफा की लिस्ट में हो गई कि नहीं? उसको बेवफा कहा जाता है। पहला नंबर है आज्ञाकारी, फिर दूसरा नंबर वफादार, फिर फरमान बरदार। जो फरमान हुआ गुरु का है, सदगुरु का जो फरमान, वो सर माथे पर तुरंत, देर किया तो नहीं चलेगा। और फिर ईमानदार।